नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेक्स्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश स्क्रैप उत्पादन में विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो स्क्रैप उत्पादन में विश्व का देश दूसरा देश भारत बन गया है, अपना प्यारा देश भारत। बात है भारत की फ्रेंड्स, तो भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली। भारत के प्रेजेंट टाइम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल आर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो अगस्त माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। बात ये आती है मित्रों कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह कब सेलिब्रेट किया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया। अब आती है फ्रेंड्स 6 अगस्त की। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। बात आती है 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। बात आती है 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस यानी वर्ल्ड यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब बात आती है फ्रेंड्स 13 अगस्त की। तो 13 अगस्त को इंटरनेशनल आर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को विश्व भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया और इस बार 73वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस IIT में टेक एक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो टेक एक्स प्रदर्शनी का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने IIT दिल्ली में उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, हारमोनी OS लॉन्च किया? हुआवे ने। किसने? हुआवे इज करेक्ट आंसर। बात आती है हुआवे की, तो हुआवे की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, हुआवे की स्थापना 1987 में की गई थी। और हुआवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हुआवे का हेडक्वार्टर शेंजेन में है। कहाँ? शेंजेन, चाइना में। अब बात है फ्रेंड्स चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी, चाइना के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक हर्षद पांडुरंग ठाकुर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तीर्थ स्थल पलानी पंचतीर्थम प्रसादम को GI टैग मिला है? तो पलानी पंचतीर्थम प्रसादम को GI टैग मिला है, यह तमिलनाडु का तीर्थ स्थल है। तमिलनाडु करेक्ट आंसर। अब आता है ये मित्रों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का गठन कब किया गया था? तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अब बात करते CM की, यानी तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के CM EK पलानी स्वामी जी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु में टोटल लोकसभा सीट की संख्या 39 है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में कौन से नए खेल को शामिल किया गया है? तो 2022 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में T20 खेल को भी शामिल कर लिया गया है। T20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2019 का आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा। श्रीनगर इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उनके द्वारा वीर चक्र किसे सम्मानित किया? तो वीर चक्र पुरस्कार से
विंग कमांडर अभिनंदन जी को सम्मानित किया गया, विंग कमांडर अभिनंदन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र से 2 लोगों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने लोगों को सौर चक्र से सम्मानित किया गया? तो सौर चक्र पाने वाले लोगों की संख्या 14 है, कितनी? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चंस। तो यह था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तभी हम कोई बड़ा लक्ष्य पाने में समर्थ होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं, वो कभी अकेला नहीं होता है। तो आप इन सब विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर क्रिएट कीजिए और अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।